तो मध्य प्रदेश के गुना में चार नगरीय निकाय चुनाव दूसरे चरण के 13 जुलाई को होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मकसूद नगर नगरीय निकाय चुनाव में आम सभा को संबोधित करते हुए गुना जिला के चाचौड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इनके नीचे से ऊपर तक का नेता झूठ बोलता है और अगर सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो वह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री को आम सभा में बदमाश तक बोला है। वही प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री को दलाल तक कह दिया। कांग्रेस विधायक ने एक अखबार में छपी खबर के आधार पर प्रदेश सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है। तो वही कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि 15 वर्षों से प्रदेश में भाजपा सरकार है, उसके बाद भी नगर परिषद में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस विधायक की आम सभा के बाद राजनीति में एक चिंतन का विषय जरूर सामने आ रहा है कि अब बड़े से बड़े नेता, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, अपनी भाषा की मर्यादा भूल जा रहे हैं। विभाग है तो राजस्व विभाग, सबसे बड़ा भ्रष्ट विभाग राजस्व विभाग है और उसका मंत्री कौन है? गोविंद सिंह राजपूत, वो तल्ला जो 20 करोड़ खा के भारतीय जनता पार्टी में चला गया, सबसे भ्रष्ट मंत्री है वो। दूसरे नंबर पे कौन है? अपना संजू सिसोदिया गुना का ग्रामीण विकास का मंत्री, दूसरे नंबर, सबसे दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री अपने गुना जिले का है।